नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। विशेष में एक बार फिर से बात पेंशन धारकों के दर्द की। जी हाँ, पेंशन की आस में पथराई आंखें, इसलिए क्योंकि सूबे में करीब 2.25 लाख से ज्यादा पेंशन धारक अभी भी ऐसे हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिल पाई है। 2000 के पेंशन का वायदा अभी किश्तों में पूरा किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों को ये मिलना चाहिए वो भी अभी मुनासिब तरीके से नहीं मिल पा रहा है। देखिए सबसे पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। नया साल आया लेकिन खुशियां नहीं लाया। करीब 2.25 लाख पेंशन धारकों का कुछ ऐसा ही दर्द है, वो दर्द जिसके बारे में सूबे के सीएम से लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री तक को पता है, लेकिन उस दर्द का उपचार एक साल बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाया। पहले 2000 की पेंशन के वादे को सरकार ने किश्तों में पूरा किया, लेकिन उसके बाद भी पेंशन नसीब नहीं है। प्रदेश भर के करीब 2.25 लाख लोगों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि ये लोग राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली पेंशन से महरूम हो गए हैं। खास बात ये है कि मुख्यमंत्री के गृह जिला करनाल से 13,000 से अधिक पेंशन धारकों को पेंशन से हाथ धोना पड़ा है। यहाँ महज 88% लोगों के खाते ही अपलोड हो पाए हैं, जो प्रदेश में निचले पायदान पर हैं। फरीदाबाद में 89 और पलवल में 92% लोगों के ही खाते अपलोड हो सके हैं। दरअसल खट्टर सरकार ने जनवरी 2015 में पेंशन धारकों को उनकी पेंशन राशि सीधे बैंक अकाउंट में डालने की योजना बनाई थी। पात्रों के बैंक खाते खोले गए। पहले तो उन्हें पेंशन के लिए अलग से खाते खुलवाने पड़े, उसके बाद पेंशन आईडी बैंक से अपलोड करानी पड़ी, लेकिन एक साल में भी ये काम पूरा नहीं हो पाया। राज्य सरकार ने पात्रों के खाते 31 दिसंबर तक अपलोड करने का समय निर्धारित किया था। निर्धारित समय सीमा के बाद भी करीब 2.25 लाख लाभार्थी वंचित रह गए। विभागीय आंकड़ों की माने तो सोनीपत जिले के पात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सोनीपत में 19,502 पेंशन धारक वंचित रह गए। दूसरे स्थान पर सीएम का जिला करनाल, तीसरे पर भिवानी और चौथे स्थान पर सिरसा जिला शामिल है। साफ है कि सरकार अपनी ही डेडलाइन पर खरी नहीं उतर पाई और मैडम मंत्री के दावे भी धरे के धरे रह गए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कब तक पेंशन की टेंशन रहेगी जारी। क्या 2.25 लाख पेंशन धारक पेंशन से रह जाएंगे महरूम? क्यों समय रहते खाते अपलोड नहीं कर पाई सरकार? क्यों कविता जैन के दावे झूठ साबित हो रहे? सरकार की खामी जनता कब तक भुगते? ये सवाल बेहद बड़े हैं और करीब 2.25 लाख लोग आज ये सवाल भी सरकार से जरूर पूछ रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, साल तो नया है लेकिन टेंशन वही पुरानी है। पेंशन की जो टेंशन है वो बरकरार है। अभी तक तमाम खाते अपलोड नहीं किए गए हैं और यही वजह है कि 2.25 लाख पेंशन धारकों के पास पेंशन नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में महेंद्र सिंह मौजूद है। महेंद्र जी नमस्कार। पेंशन धारकों की टेंशन कम नहीं हो रही है, साल नया है लेकिन टेंशन वही पुरानी, आखिर ये टेंशन कब तक जारी रहेगी? मेन जो इसका कारण है, जो मुख्य कारण है, वो क्या?
इस पेंशन की टेंशन का मुख्य कारण एक ही है कि बिना तैयारी के, बिना होमवर्क के योजना को लाना और उस पर कोई काम न होना, बहुत सीधी सी बात है। सरकार पता नहीं किस सोच के साथ, किस दिमाग के साथ काम कर रही है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आपने 31 दिसंबर का जो डेट डिसाइड की थी कि हम 31 दिसंबर तक सभी के जो ये खाते वाते हैं सब अपलोड कर देंगे और उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो कि पेंशन से वंचित रह जाएगा, जबकि आप बता रहे हैं कि 2 लाख समथिंग, जी 2.5 लाख, 2.25 लाख जो पेंशन धारक है वो पेंशन से वंचित रह जाएंगे। दरअसल ये सरकार की कार्यप्रणाली, उसकी योजना, सर्वे, तमाम चीजों के ऊपर एक बड़ा सवाल निशान लगा देते हैं। और सरकार जब इस तरह का करती है तो सवाल पे सवाल उठते हैं। सरकार ने ये शर्त रखी कि आधार जी कार्ड से इनका जो खाता है उसको लिंक किया जाएगा। क्या प्रदेश में सभी पेंशन धारकों के आधार कार्ड बन गए? नहीं बने। आधार कार्ड जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको पेंशन मिलनी है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनके लिए आधार कार्ड बनवाने की सरकार की क्या व्यवस्था है? वो भी तो इसका एक अंग है। वो सरकार आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था ही नहीं कर पाई अभी तक। हर बार कह देती है कि मैन पावर की कमी है, दिन डिसाइड कर रखे हैं, यानी कि सब जगह से चीजें इस तरह से बिखरी हुई है कि समेटे में ही नहीं आ रही है। बिल्कुल ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि सरकार सरकार का काम और सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है। रेणु जी, सबसे गंभीर बात यह है कि समय रुक नहीं रहा है, समय तेजी से दौड़ रहा है। बिल्कुल एक सवा साल सरकार का निकल गया है, दूसरा साल आने वाला है। सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्या जनता से वादा करके आई है, यानी कि कहीं पर भी, कहने का मतलब ये कि रिजल्ट ओरिएंटेड जो काम होना चाहिए ना, वो नहीं आ पा वो रहा है। नहीं हो रहा। लौटेंगे आपके पास इस वक्त, तो खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया और कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता जुड़ चुकी हैं। रेणु जी नमस्कार, पहला सवाल आपसे ही है। रेणु जी, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता है रेणु भाटिया से बातचीत नहीं हो पाएगी। रंजीता जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? रंजीता जी, आप सुन पा रही हमें? जी मैं सुन पा रही हूँ। रंजीता जी, तकरीबन 2.25 लाख पेंशन धारकों की पेंशन अभी तक नहीं बन पाई है क्योंकि इनके खाते अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। सरकार की कथनी और करनी का जो फर्क है लोगों को अब साफ समझ में आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है कि 31 दिसंबर तक की जो डेडलाइन थी वो भी निकल चुकी है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसको जमीनी लेवल पे चेक करना पड़ता है कि क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं। जी इन चीजों को होमवर्क किए बिना इन्होंने कोई भी नई स्कीम लागू कर दी है जिसके लिए जो पेंशन धारक है, कोई भी और लोग हैं, उसके लिए सफर कर रहे हैं। अभी तक प्रॉपर खाते खुल ही नहीं पाए और इन्होंने इस चीज को रेगुलेट कर दिया और लागू कर दिया जिससे कि बुजुर्ग जो इसके आसरे अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं इस चीज से वंचित रह रहे हैं। तो ये बहुत चिंतित करने वाला विषय है और इसके ऊपर ऐसी सोच की जरूरत है कि ये चीजें लागू करने से पहले आप ये देखिए कि क्या वाकई ही बैंकों में खाते खुल चुके हैं, क्या वाकई ही वो अप्रोचेबल है, बुजुर्ग वहां पे जाके अपनी पेंशन ले सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि की जो कथनी और करनी में फर्क तो है कि नियत और नीति ठीक नहीं है। रंजीता जी, बीजेपी इस पर साफ तौर पर यही कहती है कि इतने भारी गड्ढे बनाए गए पिछली सरकार में कि नई योजनाओं को लागू करने में बेहद दिक्कत आ रही है, पिछले जो गड्ढे हैं अभी वही भरे नहीं गए हैं, तो आगे की योजना पर तो धीरे ही धीरे काम होगा ना। अगर जहाँ तक खड्डों की बात है, अगर इनको खड्डे मानते हैं तो अब वो खड्डे जो है वो जो गहरी खाइयां बनती जा रही है उनको भरने की दूर की बजाय ये तो खोदते जा रहे हैं। आज तक इन्होंने किया क्या है? कांग्रेस की जितनी भी पुरानी नीतियां थी उनका सिर्फ नाम बदलकर फीता काटने का काम किया है। कोई भी नई चीज इन्होंने लागू नहीं की, कोई भी नई चीज के इन्होंने इनोवेशन नहीं की है और जो कांग्रेस की ऑलरेडी चल रही चीजें थी उनको प्रॉपर रूप से चला नहीं पा रहे। जी चलिए रंजीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रवक्ता कांग्रेस रंजीता मेहता जुड़ी हुई थी और साफ तौर पर एक बार फिर से वही राजनीतिक बातें हमारे साथ। लगातार वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जुड़े हुए। महेंद्र जी, आप रंजीता मेहता की बातों पर थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं शायद? जी, उन्होंने अपनी बातचीत में बड़ी नई बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो छोड़े हुए गड्ढों को भरने की बात कर रही है, उन्होंने इसमें बिल्कुल एक नई बात कही है कि गड्ढे भारतीय जनता पार्टी गड्ढे भर नहीं रही है, उनको खाई बना रही है। बिल्कुल। तो मैं जहां तक सोचता हूँ जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है उससे तो यही बात परिलक्षित होती है। जी
और दूसरी बात है कि सरकार ये बात कहकर कब तक अपना बचाव करेगी कि हम गड्ढे भर रहे हैं। बिल्कुल, हम गड्ढे भर रहे हैं। लौटेंगे, हमारे पास रेणु भाटिया फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले रेणु जी नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। करीब 2.25 लाख पेंशन धारक अभी भी वंचित है। 31 दिसंबर की डेडलाइन निकल चुकी है कि तमाम खाते अपलोड कर दिए जाएंगे। बड़े बड़े दावे किए गए लेकिन वो तमाम दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं और जनता में खासतौर पर जो पेंशन धारक है उनमें बेहद आक्रोश है। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, डेफिनेटली पेंशन की जरूरत उन व्यक्तियों जिन व्यक्तियों को है उनके लिए एक बहुत ही निसंदेह इस टाइम बहुत प्रॉब्लम की बात होगी। परंतु जो आपने शुरू में शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं बहुत अच्छे से नहीं सुन पाई, आवाज क्लियर नहीं थी, बट फिर भी मैंने एक लाइन आपकी सुनी, पेंशन का टेंशन जी। आपके नोटिस में अगर ये बात हो या अगर आप अपने प्रोग्राम्स प्रीव्यू करें तो आपको ध्यान हो, एक किसी सरपंच के ऊपर बार उंगली उठी थी कि अपने क्षेत्र में उसने मृत लोगों की भी पेंशन ले रहे थे। आपको इस बात का अगर ध्यान हो तो आप लोगों ने एक बार एक न्यूज ऐसी भी चलाई थी कि पेंशन जो बीच के लोग हैं, बिचौलिए, वो खा जाते हैं, खा जाते थे जी। तो एटलीस्ट ये जो एक भारतीय जनता पार्टी ने स्टेप लिया है, डायरेक्ट पेंशन टू द पर्सन, ये एक थोड़ा लोगों को परेशानी लग रही है इस समय, या उनको थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा बिकॉज वो यूज टू नहीं थे। लेकिन फॉर एवर दिस इज अ स्टेप विच इज वेरी प्रैक्टिकल। बैंकों में डायरेक्ट खाते खुलने से, उनकी पेंशन वहां आने से, बहुत से हम लोग तो समाज में महिलाओं के बीच में रहते थे और इस तरह के प्रॉब्लम्स को सुनते थे कि कई बार जो है परिवार के कुछ सदस्य रिश्ता का परिचय देते थे अपने बुजुर्गों के साथ, पेंशन भी नहीं देते थे उनको, उनकी पेंशन आती थी तो जी। या उनसे ओनली पेंशन की वजह से उनका जो है उनको साथ रखते थे। ऐसे बड़े सारे प्रैक्टिकल केसेस आए थे। अब क्या है कि बैंक में पेंशन आने से वो सब तो ठीक है रेणु भाटिया जी, लेकिन डेडलाइन सरकार ने जो दी उस डेडलाइन को पूरा भी तो करना चाहिए। जनता आपके वायदे पर विश्वास क्यों करे? वो ये नहीं, आपने अगर आपकी पार्टी को इतनी सारी दलीलें देनी थी कि भाई हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है, तो वक्त थोड़ा और लंबा खींचना चाहिए था। डेडलाइन देने की क्या जरूरत है? क्योंकि इससे एक आस एक विश्वास बंध जाता है। ये जो बातें हैं ये जनता को बेहद आक्रोशित कर रही है। रंजीता मेहता जी आप फोन लाइन पर जुड़ी हुई है क्या? रंजीता जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चले लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। रेणु भाटिया जी आप इसका जवाब देंगे क्या कि आखिर क्यों सरकार डेडलाइन देती है और उस डेडलाइन पर खरी नहीं उतरती? मैं अपनी बात पूरी एक मिनट रखना चाहती हूँ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि भारतीय जनता पार्टी ने समय बताया कि इसने समय में होगा, परंतु कुछ चीजें जब प्रैक्टिकल करने बैठो तो वो समय खा जाती है, इम्प्रैक्टिकल सा लगता है उस समय उस चीज को करना। लेकिन हमारा ये वादा जो जनता से हुआ है उसके ऊपर हम 100% 100 से भी ज्यादा अगर परसेंट होगा तो मैं उसका भी बात कहूंगी कि हम लोग ये प्रैक्टिकली करके 100% देंगे, भले ही थोड़ा समय लगे। बाद में यही जनता के आप इंटरव्यूज करेंगे जो आपको अपनी सुविधा की बात बताएंगे। लौटेंगे रेणु भाटिया जी, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, वो शायद आपकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी महेंद्र जी देखो, मेरी इसमें एक ही बात है, बहुत चूंकि सरकार जनता के लिए है और जनता के कामकाज के लिए है। ये पेंशन का मसला है, मैं इसमें सिर्फ दो लाइन में बात को बहुत स्पष्ट कर दूंगा कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको दलील से बचना चाहिए और जो विपक्षी पार्टी है उसको आलोचना और शिकायत से बचना चाहिए। दोनों मिलकर प्रदेश के विकास में, प्रदेश की समस्याओं के समाधान में आप सुझाव दीजिए, आप काम बताइए कि इस काम को ऐसे करिए, क्योंकि अल्टीमेटली जनता के हित में तो आपको काम करना है ना, जनता के पक्ष में ही आपको काम करना है। तो सारी बातचीत इस रास्ते से चलनी चाहिए, आप दलील मत दीजिए, दूसरी तरफ के लोग शिकायतें ना करें, तो देखिए कि प्रदेश में काम का कितना अच्छा माहौल बनेगा। और जो भी योजना लेकर आए, जो भी काम लेकर आए, पूरे कंप्लीट होमवर्क के साथ लेकर आए और उसमें तमाम कंटेंट डाले जाए, चाहे भले ही थोड़ा समय लग जाए, कि यानी कि कोई भी लूपहोल ना निकले, फिर किसी को कहने की जरूरत ना पड़े कि आपने ये कहा था और ये चीज हो गई या ये चीज नहीं हुई। शायद रेणु जी इस बात से सहमत होंगी। जी रेणु जी आप सहमत हैं इस बात से, और दूसरी चीज ये है कि जो लूप होल्स हैं आखिर उनको भरा कैसे जाए, और सरकार जिस तरीके से वायदे करती है वो तमाम वादों पर खरा उतरना चाहिए, लेकिन एक निश्चित समय सीमा की भी कोई एक जिम्मेदारी बनती है, जिस जिम्मेदारी के साथ सरकार ने कहा कि पहली कलम से पक्का कर दिया जाएगा,
या बुजुर्गों का पेंशन इतना दिया जाएगा, वो तमाम बातें हैं जिन पर आज पार्टी घिरी हुई है, सरकार घिरी हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए डेफिनेटली आज सरकार को क्योंकि इतने गड्ढे भरने पड़े उस बातों हर महकमे में हर कार्य में घिरी रहेगी सरकार, ये बात मुझे समझ आती है, परंतु यही सरकार एक एक वादे को पूरा करेगी, एक एक चीज को प्रॉपरली ऐसे सुलझाएगी जिससे कि बार बार किसी व्यक्ति को किसी परेशानी का सामना ना करे। गवर्नेंस की बात करते हैं हम, जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम, जब स्किल की बात करते हैं, तो इन सब चीजों को लागू करने के लिए निश्चित समय की अवधि अगर आप कहें तो कहीं अप डाउन जरूर होता है, परंतु जो एक बात कही गई, जो एक टारगेट रखा गया, जो एक विजन बनाया गया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट का, स्किल इंडिया का विजन देखा है, मेक इन इंडिया का विजन देखा है, वो हर प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए, बहुत सारे सवाल इसमें भी छुपे हुए हैं रेणु भाटिया जी, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के उस पार भी हम आपसे बातचीत रखेंगे जारी और इसके तमाम पहलुओं पर रखेंगे चर्चा जारी, जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा, हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। देखिए खबर एक्सप्रेस हर रोज शाम 6 बजे। गुड बाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुड बाज स्ट्रॉ रीपर। खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो पापा। मम्मी खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देसी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देसी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं, जोश जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। जय गोगा जी हेयर ऑयल की तरफ से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो
विशेष में आज हम बात कर रहे हैं पेंशन की आस में पथराई आंखों की, जिस तरीके के लूप होल्स नजर आ रहे हैं, डेडलाइन भी निकल चुकी है पेंशन धारकों के खातों को अपलोड करने की, और अब तकरीबन 2.25 लाख ऐसे पेंशन धारक हैं जो अभी भी पेंशन से वंचित है। सरकार एक तरफ ये कह रही है कि पिछली सरकार के गड्ढे और पार्टी में लगी है, विपक्ष हमलावर रुख अख्तियार कर रहा है कि वर्तमान सरकार की बारी है, उसको काम करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी छोटे छोटे कदम है शायद जिनका ध्यान वर्तमान सरकार ने नहीं रखा है। वो छोटे छोटे कदम क्या है, वो लूप होल्स क्या है, चर्चा हम रख रहे हैं जारी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार महेंद्र सिंह जुड़े हुए। महेंद्र जी, ब्रेक पर जाने के पहले रेणु भाटिया एक बार फिर से कह रहे थे कि हम गड्ढों को भर रहे हैं, वो लेकिन अब खाई होती जा रही है। रंजीता मेहता ने इस बात को कहा, सरकार आपको नहीं लगता कि सिर्फ शिकायतें कर रही है तमाम योजना में कि अभी हमें इतने साल हुए हैं, सवा साल हुए हैं, एक साल हुए हैं और अभी तो इतने गड्ढे भरे जाने बाकी है। आपको जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप पिछली सरकार के जो कृत्य सही नहीं हो पाए आप उनको लेकर के चलें, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जो किया सो किया, आप नया क्या करेंगे, इस पर जनता का फोकस ज्यादा है। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रेणु भाटिया जी फोन से जुड़ी हुई थी, अगर उनसे ये सवाल किया जाता क्या प्रदेश की जनता ने आपको कांग्रेस के छुड़वे गड्ढे भरने के लिए वोट दिया है, तो शायद उसका उत्तर नहीं दे पाती। बिल्कुल, बहुत सीधी सी बात है, सरकार को कांग्रेस के गड्ढे भरने के लिए जनता ने वोट नहीं किया है, आपको जनता ने आपको काम करने के लिए वोट किया है। और आप तर्कों को गढ़िए मत, सबसे बड़ी बात है, हर बात में तर्क निकाल के लाएंगे, दलील निकाल के लाएंगे, उसकी जरूरत ही नहीं है। अब जैसे ये पेंशन वाला मामला है जिस पर हम आज ये बातचीत कर रहे हैं, जो 2.25 लाख लोग जो पेंशन धारक है जिनको पेंशन नहीं मिली है, अब उनको पेंशन देना कैसे सुनिश्चित किया जाए या वो कौन लोग हैं, सबसे पहले तो इसकी वजह समझी जाए कि इनको पेंशन क्यों नहीं मिल पाई, ये वो लेन में क्यों नहीं आ पाए जिनसे इनको पेंशन दी जाए, उस वजह को समझे और उस वजह को समझकर अपना काम करें। जैसा कि अभी बातचीत में कंटेंट निकल गया था कि इसमें भ्रष्टाचार की बुआ थी, कई सरपंच अपने तरीके से उस पेंशन को हड़प लेते हैं, तो ये कोई सरपंच या कोई व्यक्ति इस तरह का खेल कैसे कर जाता है, सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं है, जहां तक मेरी अपनी सोच है। सरकार को सब पता है कहां पर क्या चीज गलत होती है और क्या चीज सही होती है, तो सरकार का काम गलत को रोकना है और उसके लिए रास्ते बनाने हैं, और सरकार को इसी पर ही काम करना चाहिए, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और देखो, अपनी भारतीय संस्कृति समाज कहता है कि बुजुर्गों का मान सम्मान सबसे पहले, तो सरकार को उनका मान सम्मान की फिक्र करते हुए जल्द से जल्दी जो पेंशन के जो एक तरीके से जो पात्र हैं उनको पेंशन देना सुनिश्चित किया जाए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि उन्हें हर महीने के पहले सप्ताह में उनके बैंक अकाउंट में पेंशन पहुंच जानी चाहिए, ये नहीं कि 3-3 महीने बाद 1 महीने की आप पेंशन दे रहे हो, तो यानी कि कंप्लीट होमवर्क करके आप कामों को करिए, ना तो आपको आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा, ना किसी तरह की तोहमतें लगेगी, ना आरोप लगेंगे। लेकिन वो काम आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है सर, ऐसी बात तो नहीं है कि सरकार को इन तमाम चीजों का पता नहीं होगा, क्या इच्छा शक्ति की कमी है, या सरकार यही सोचती है कि हम शायद ये दलीलें दे दे तो जनता थोड़े दिन और शांत हो जाएगी, कि अभी हम पिछली सरकार के ढरों को भर रहे हैं और गड्ढों को भर रहे हैं और आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है, एक तो सबसे पहले कोई भी काम छोटा हो बड़ा हो, इच्छा शक्ति आपके अंदर उस काम को करने की कितनी इच्छा शक्ति है या नहीं है, या खाली आप एक चलताऊ किस्म के तरीके से आप कामों को करना चाहते हैं, उनको निपटाना चाहते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये कि आप हर समस्या का तात्कालिक समाधान मत लाइए, बिल्कुल आप उसका बुनियादी समाधान आप करिए, दीर्घकालिक जो समाधान बिल्कुल वो लेकर आइए। उससे क्या है कि सबसे बड़ी बात है जो एजेंसी काम कर रही है और उस एजेंसी के अंदर जो लोग हैं उनकी विश्वसनीयता बनती है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि हरियाणा सरकार की अभी कामों को लेकर विश्वसनीयता ही नहीं बन पाई है जी। जनता के बीच यानी कि जनता को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सरकार काम भी करेगी नहीं करेगी जी। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी को इस बात को समझना होगा, उनके कैबिनेट के लोगों को समझना होगा जी। और प्रधानमंत्री को भी समझना होगा कि मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करें कि आखिरकार हरियाणा की जनता परेशान क्यों है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ दलबीर धनखड़ इस वक्त इनेलो की तरफ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दलबीर जी नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है? दलबीर धनखड़ जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी अब हाँ जी मैम। तकरीबन 2.25 लाख पेंशन धारक अभी भी पेंशन से वंचित है, सरकार की वो डेडलाइन भी निकल चुकी है कि 31 दिसंबर तक तमाम जो खाते हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। आखिर जनता हर बार विश्वास करती है और उसके विश्वास को दगा क्यों पहुंचता है, आपकी प्रतिक्रिया? धन्यवाद मैडम। मैडम ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस का तीसरा रूप है, पार्ट 3 जी,
कांग्रेस के टाइम में घपले हुए लोगों को जिनको पेंशन मिलनी चाहिए उनको मिली नहीं, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको शायद मिलती रही। हमने बार बार भारतीय जनता पार्टी से एक प्रार्थना की है पेंशन के मामले में लोगों को गुमराह ना करें। कौन आपने 2000 पेंशन की बात की थी, आपने 1200 रुपए कर दी, 1200 कर दी, मान लिया कर दी, अरे लोगों को दे तो दो। कभी आधार से जोड़ने की बात कर रहे हैं, कभी बैंक से देने की बातें करते हैं, आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लेके आते, आप गाँव में जाके पेंशन क्यों नहीं देते। चलिए दलवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आरोप लगाना बेहद आसान है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस पर भी चल रही है, लेकिन सवालों का बुनियादी समाधान कौन देगा, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है, शायद ये कोई नहीं समझना चाहता या ये कोई जनता को बताना नहीं चाहता। हमारे तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन तमाम बातों की जो जानकारी है वो साझा तो की ही, साथ ही सरकार की मंशा पर भी ये सवाल खड़े होते हैं कि सरकार चाहती क्या है और वो कर क्या पाती है। तो विशेष में आज हमने बेहद चर्चा की इन तमाम मसलों पर, और उम्मीद करते हैं कि पेंशन धारकों को जल्द ही उनके हक की पेंशन दी जाएगी, लेट लतीफी के साथ नहीं बल्कि पूरी जवाबदेही के साथ। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।